सो फ्रेंड्स, गए कुछ दिनों से ना काफी सारे क्लाइंट्स का, खास करके जो मुंबई साइड के क्लाइंट है ना, उनका रिक्वायरमेंट कुछ इस तरीके से आ रहा था कि ब्रांडेड डेवलपर चाहिए, लोकल डेवलपर नहीं, कुछ ब्रांडेड नाम चाहिए था उनको डेवलपर में, अच्छा पानी का सप्लाई, मतलब MIDC वाटर सप्लाई वाली बिल्डिंग चाहिए थी, अगेन कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, इस तरीके से क्लाइंट्स का रिक्वायरमेंट आ रहा था कॉल्स पे। अभी क्या होता है ना, इस तरीके का अगर प्रोजेक्ट लेने जाएंगे ना आप, तो बजट थोड़ा सा हायर साइड जाता है, तो जिनका बजट कम है उनका रिक्वेस्ट था कि रिलायबल रियलिटी पे हर चीज का सोल्यूशन मिलता है, तो इसका भी कुछ सोल्यूशन लाओ। लेके आ गए हैं आज का जो ऑप्शन है ना, उधर पे सब कुछ मिल जाएगा आपको, मतलब ब्रांडेड नाम, बढ़िया काम, और सबसे अच्छा एक प्रीमियम नेस भी मिल जाएगा, बजट आपको जो चाहिए ना, मतलब उससे भी कम का होगा शायद, तो बने रहना। अगर आप भी उसी ग्रुप में से आते हैं कि VS मेरा रिक्वायरमेंट बिल्कुल इस तरीके से था, आज का जो वीडियो बना रहा हूँ ब्रीफ में आपको बता दूंगा कहाँ पे है, क्या है, कितना प्राइस रेंज है, सब कुछ मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं संतोष आप सबका वेलकम करता हूँ रिलायबल रियलिटी के हमारे इस पेज पे, जहाँ इस तरीके के जबरदस्त ऑप्शंस मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। आपको करना ये है कि समझो आपको लगता है कि हाँ इस तरीके के वीडियो हमें और भी चाहिए रहेंगे, सब्सक्राइब कर लेना। अभी आगे बढ़ते हैं, समझ लेते हैं पहले डेवलपर को, कौन है डेवलपर, उसके बाद मैं लोकेशन बताऊंगा, साइट इन्फॉर्मेशन दूंगा, कॉन्फ़िगरेशन प्राइजेस भी बताऊंगा, तो बने रहना, बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, आपने अगर कभी अंबरनाथ या बदलापुर विजिट किया होगा ना, मतलब फ्लैट लेने के हिसाब से, तो आपने थानेकर ग्रुप का नाम जरूर सुना होगा। ये ना मतलब आज का ग्रुप नहीं है, 1991 से ये कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में है। अगर अभी तक का अगर इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे ना आप, तो अराउंड 1,00,000 स्क्वायर फीट पे इनका अभी इस वक्त पे काम चालू है, मतलब काफी बड़ा नंबर्स होता है ये। 30 साल से, मतलब अराउंड 30 साल से ये ना इस चीज में है, मतलब कंस्ट्रक्शन का जो बिजनेस होता है। अभी तक का प्रोजेक्ट डिलीवरी देखो, मतलब ऐसा नहीं है कि पहला या दूसरा प्रोजेक्ट बना रहे, ऑलरेडी 57 प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुके हैं। तो कुछ इस तरीके का आपकी तरह अराउंड 7,000 से ज्यादा फैमिलीज आज के दिन में थानेकर ब्रांड के साथ में जुड़े हुए हैं, वहां पे रह रहे हैं। तो इस तरीके का इनका प्रोफाइल तो हो गया ना, मतलब जो आपका था कि थोड़ा ब्रांडेड नाम होना चाहिए, तो आई होप आपको ब्रांडेड नाम मिल चुका। और एक चीज ऐड करूंगा यहाँ पे ना, एक और चीज है कि थानेकर का ना एक स्कूल ओपन हुआ है काफी बड़ा सा बदलापुर के अंदर, मतलब वो बोर्ड वगैरह सारी चीजें, एडवांस लेवल का एक स्कूल मिल जाता है, वो सिर्फ उनके लिए है जो थानेकर में लेते हैं, मतलब डोनेशन वगैरह कुछ नहीं देना रहेगा। अभी ना आगे लोकेशन समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोकेशन की बात करोगे ना, तो जो पिन कोड यूज होता है वो तो अंबरनाथ का, लेकिन ये ना बहुत ज्यादा क्लोज है बदलापुर से, बदलापुर वेस्ट में है। अभी बदलापुर वेस्ट सुन के ऐसा मत समझना कि मतलब पानी भरता है वगैरह, बिल्कुल भी नहीं, मतलब 2005 में भी इस लोकेशन पे पानी नहीं भरा था, तो वो वाला दिक्कत नहीं है। बदलापुर रेलवे स्टेशन से अराउंड 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे और अंबरनाथ रेलवे स्टेशन से अराउंड 4.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। लेकिन सबसे अमेजिंग बात पता है कि आपको, जो अपकमिंग चिखलोली रेलवे स्टेशन है ना, वहाँ से ये प्रोजेक्ट 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहेगा। अगर आप स्कूल की बात करोगे, इधर से 500 मीटर के बीच में 3 स्कूल, वो भी बड़े स्कूल है, मतलब आप बात करो सनराइज इंटरनेशनल स्कूल, सिंड्रेला स्कूल या फातिमा स्कूल के, वो इस प्रोजेक्ट के 500 मीटर के अंदर में है। अगर आप हॉस्पिटल की बात करोगे तो सिटी हॉस्पिटल, ग्लोबल हॉस्पिटल, चिखलोली हॉस्पिटल, ये सारे चीज़ें अराउंड समझो ना 1.5 किलोमीटर के आसपास में मिल जाते हैं। घूमने के लिए भी ना अगल बगल में काफ़ी जगह, वैसे तो ये एकदम ना पीसफुल लोकेशन है, कोई MIDC वाला चीज़ नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा कंपनीज वगैरह होते हैं या धूल धुआं ये सब चीज़ नहीं है। पास में आपको शिव मंदिर तालाब भी मिल जाता है, किसी शाम को अगर आप जाएंगे ना तो आपको लगेगा शायद यार वाह क्या जबरदस्त जगह थी। बारवी डैम भी पास में है। हाईवेज की बात करोगे तो इधर कल्याण बदलापुर हाईवे आपको बगल में मिल जाता है, बिल्कुल बगल में, और मुरबाड़ रोड भी, जिनका घर उस तरफ में है ना, तो बिल्कुल आपको गेट के बाहर से ही मुरबाड़ रोड की कनेक्टिविटी भी मिल जाती है। लोकेशन वाइज देखने जाएंगे ना, एक डेवलपिंग लोकेशन है, आसपास में कुछ अच्छे बड़े प्रोजेक्ट्स का काम चल रहा है। इस तरीके का लोकेशन हरदम सही होता है, क्योंकि आज भले इसको आपको जो रेट मिल रहा है, डाउन द लाइन 2-3 साल बाद आपको रेट नहीं मिल पाता, ठीक है रेट पे आऊँगा, लेकिन उससे पहले ना थोड़ा साइट को, मतलब बिल्डिंग क्या होने वाली, प्रोजेक्ट क्या होने वाला वो समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक हम जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं ना, तो थानेकर सिविक इस प्रोजेक्ट का नाम है। लोकेशन के बारे में तो मैंने बता दिया था ना, अभी साइड देख लो एक बार ना, पूरा मैं बोलूंगा एक बार दिखाने के लिए। तो कुछ इस तरीके का एलिवेशन है बिल्डिंग का। आप ना जब ब्रांडेड चीज के साथ में जाते हैं ना, तो आपको ना ये ओपन स्पेस भी मिलता है, अदरवाइज जो नॉर्मली जो आपको बिल्डिंग मिलते हैं ना, वो इतना ओपन स्पेस कोई देता है क्या? अभी ये वाला जो पूरा स्पेस है ना, इधर पे आपको बास्केटबॉल कोर्ट वगैरह या एमिनिटीज वाला एरिया सेक्शन मिल जाएगा,
ओपन स्पेस का कोई भी दिक्कत नहीं है। टोटल लैंड पार्सल की अगर आप बात करेंगे ना तो 2.5 एकड़ मतलब 2.5 एकड़ लैंड पार्सल में ये पूरा है। अगर आप बात करेंगे टोटल 5 टावर है, 2 फेजेस है, नियरिंग अगर समझो आपको ऐसा है कि मेरे को थोड़ा जल्दी पोजेशन चाहिए, वो देखो पीछे फिनिशिंग स्टेज पे है वो। आप आओ, जब तक आपका सैंक्शन रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट होएगा ना तब तक आपको ये शायद से बिल्डिंग रेडी हो जाएगी। लेकिन समझो आपको ऐसा लगता है कि नहीं रेट और नीचे का चाहिए, थोड़ा लंबा पोजेशन भी चल जाएगा, देखो इधर ये बिल्डिंग का काम चालू है। इस तरीके का सारे ये जो फ्लैट दिख रहे हैं ना ये एमिनिटीज फेसिंग वाले आपको मिल जाते हैं। और भी काफ़ी सारे चीज़ें आप देखने को जाएंगे ना तो पावर बैकअप मिलता है आपको यहाँ पे। और एक अमेजिंग चीज़ अभी करेंट जनरेशन या जो अपकमिंग जनरेशन रहेगा उसके लिए ईवी चार्जिंग स्टेशन भी आपको मिल जाता है। एसटीपी का यहाँ पे प्लांट भी है तो मतलब आपका वाटर हार्वेस्टिंग भी चीज़ें मिल जाती है। तो जो एक छोटी सी छोटी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करी गई हैं। तो और सबसे बड़ी बात कि काफ़ी सारे लोगों को आपको पता है MIDC का चाहिए, इधर MIDC का पानी का सप्लाई भी मिल जाता है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आप जब भी आएंगे ना तो आपको ना देखने मिलेगा, इन्होंने ना जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी किया उसका एक एक्सपीरियंस सेंटर भी बना के रखा, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इनका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, फ्लोरिंग वगैरह ना सब अलग चीज़ें मिल जाती हैं। ये था डिटेल्स साइट का, मतलब ये साइट इस तरीके से है फ्रेंड्स। अभी समझ जाते हैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1BHK 2BHK क्या एरिया, क्या प्राइजेज हैं। फाइनली आप देख सकते हैं इसका एक ना सैम्पल फ्लैट दिखा रहा हूँ मैं आपको, सो दैट आपको फिनिशिंग किस तरीके की वो पता चल जाएगी। यहाँ पे अभी आप देख लो, मतलब ये थोड़ा सा मैं एक बड़ा वाला एरिया दिखा रहा हूँ। अदरवाइज अगर आप एरिया की बात करेंगे ना तो 1BHK जो यहाँ पे आपको मिलता है ना तो अराउंड 300 से लेके 450 तक के कारपेट एरिया वाले ऑप्शन मिलते हैं आपको। अगर आप बात करेंगे 2BHK की तो 2BHK में आपको अराउंड 550 से लेके 600 स्क्वायर फीट तक के कारपेट मिल जाते हैं, मतलब बड़ा छोटा साइज भी आपको मिल जाता है जैसा आपको चाहिए। अगर आप प्राइस रेंज की बात करेंगे तो 1BHK स्टार्ट होता है 20 लाख से और 2BHK स्टार्ट होता है 33 लाख से। तो इस तरीके से मैंने साइज बता दिया आपको, कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अभी ज़रा ऑफ़र समझ लेते फ्रेंड्स हम। प्रोजेक्ट आपने समझ लिया, लोकेशन समझ लिया, साइट समझ लिया और आपने फ्लैट भी देख लिया। अभी आपको सबसे मज़ेदार बताता हूँ बात, वो है इसका ऑफ़र। ऑफ़र मतलब दो तीन है लेकिन सबसे अच्छा ऑफ़र जो आप में से काफ़ी सारे लोग ऑप्ट कर सकते हैं वो है 1% का डाउन पेमेंट करो, 99% का आपका लोन का फंडिंग हो जाएगा। हर एक बुकिंग पे ना इधर बिल्डर ने अश्योर्ड गिफ्ट रखे, मतलब आपको कुछ ना तो कुछ जरूर मिलेगा। वैसे सबसे बड़ा गिफ्ट क्या पता है कि आपको घर के साथ में घर फ्री, ये एक को ही मिलेगा। लेकिन सोच के देखो ना, अगर आप हो गए तो आपको मिल गया तो कनेक्ट करो, विजिट करो। थैंक यू सो मच।